सरकार की नाकामी और जनता की नाउम्मीदी के बीच में है। और मुझे लगता है कि नाकामी और नाउम्मीदी के बीच में अंततः लोकतंत्र में उम्मीद जीतता है। हाय दोस्तों, मैं सरफराज, आप देख रहे हैं अली सैनन। जो कन्हैया कुमार है ना, आए हैं सब लोगों के बीच, आए हैं बता रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है ना, लोगों की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जो महंगाई की लड़ाई है, और अपनी न्यूज को हम रिएक्शन करेंगे और देखते हैं तारीख को मिलेगा। हाँ। हम प्रत्याशी हैं, हमारा काम है लोगों के बीच जाना। हाँ। लोगों के मुद्दों को उठाना, उनकी बात को सुनना और उनकी सुनी हुई बात के आधार पर अपने घोषणा पत्र को तैयार करना, एक मांग पत्र को तैयार करना, एक संकल्प पत्र को तैयार करना। इस बार हम जनता के बीच आए और जनता ने जो मुद्दे उठाए इस क्षेत्र के, उसके आधार पर हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली का न्याय पत्र तैयार किया है। उस न्याय पत्र को भरपूर समर्थन दिया यहाँ के लोगों ने, और वो समर्थन आशीर्वाद के रूप में जब हम उनके बीच कैंपेन करने के लिए गए, वो देखने को मिला। माओं ने जो है अपने आंचल से पसीना पोंछा, नौजवान साथियों ने हाथ मिलाया, गले लगाया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो समस्याएं हैं उससे वो निदान चाहते हैं। 10 साल से जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों के साथ जो अन्याय किया गया है उसके खिलाफ जो है वो न्याय चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने अपना काम किया है, प्रत्याशी के तौर पर लोगों के बीच गए हैं, अपनी बात रखे हैं। हम इसको इस रूप में कहते हैं कि पिछले 10 साल में सांसद महोदय जितनी जगहों पे नहीं जा पाए, मैं उतना उससे ज़्यादा जगहों पे जो है ना पिछले 10 दिन में जा पाया हूँ। तो ये जो समर्थन है जनता का, जो आशीर्वाद है, वो वोट के रूप में परिवर्तित होगा और परिणाम 4 तारीख को आएगा। सांसद महोदय कह रहे हैं, हमारी बात ये कह रहे हैं, पहले से ही जो है कन्हैया हार मान चुके हैं, हार रहे हैं, कोई उन पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इलाके में, वहाँ बयान दे रहे हैं। तो जैसे 10 साल गायब थे वैसे वो अभी भी घर में बैठ जाते, प्रचार क्यों कर रहे हैं, क्यों गली गली घूम रहे हैं? वो जीते हुए हैं ना। एक मिनट चाचा, वो जो है अगर जीत गए हैं तो उनको मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, वो घर बैठ जाते हैं। क्यों जो है अपने जो है कार्यकर्ताओं को जो है फ़ोन करके डांट रहे हैं, बूथ पे पहुंचो, पहुंच नहीं रहे हो? देखिए, झूठ की एक उम्र होती है, कब तक बोलते रहिएगा, आज ना कल सच तो लोग अपना मानेंगे। ठीक है कन्हैया जी, एक ईमानदारी से बताइए, इतना बड़ा नाम चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस नाम से कैसे मुकाबला हो पा रहा है? मोदी लहर जो है वो टक्कर दे रही है, उससे कन्हैया कैसे उभर? मेरा किसी से मुकाबला ही नहीं है, मुकाबला यहाँ के लोगों का है। यहाँ के लोगों की जो महंगाई है, यहाँ की जो बेरोजगारी है, यहाँ के लोगों की जो सड़कें नहीं बन पा रही है, जो बिजली नहीं बन पा रहा है, मुकाबला यहाँ के लोगों को जो समस्याएं से जो रोज जूझते हैं, जाम की समस्या हो, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, वो लॉ एंड ऑर्डर हो, इससे मुकाबला है। और हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम सांसद नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। तो जो प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, जो सरकार हैं, जो सांसद हैं, वो जवाब दें। तो मुकाबला सरकार की नाकामी और जनता की नाउम्मीदी के बीच में है। और मुझे लगता है कि नाकामी और नाउम्मीदी के बीच में अंततः लोकतंत्र में उम्मीद जीतता है। और उम्मीद ये है कि लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, लोगों की साफ समझ है, कुर्सी और रोटी पलटते रहना चाहिए, नहीं तो सत्ता निरंकुश हो जाती है और रोटी जल जाती है। सातों सीटों पर किस तरीके का समीकरण? अब हो गया 2 घंटा बचा है। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना जरूर राय देते जाएं।